वेलकम ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको फ्यूचर स्पॉट स्ट्रैटेजी का कंप्लीट डिटेल में सिखाऊंगा। फ्यूचर स्पॉट स्ट्रैटेजी किस तरह से कर सकते हैं आप, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने आज जो ट्रेड लास्ट अब दो दिन पहले आपसे शेयर किया था, वही ट्रेड आज हमने सिर्फ 50,000 रुपीज के मार्जिन पे 3600 रुपीज पर लॉट पे क्लोज किया है। और देखिए ऐसा नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको एक बार मिलेगी, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप किस तरह से इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और किस तरह से ये ट्रेड कर सकते हैं। एक बार आपने ये ट्रेड स्ट्रैटेजी सीख लिया ना, ट्रस्ट मी आपको 5% 6% रिटर्न पर मंथ का, वो भी बहुत काफी हद तक सेफ्टी। ऐसा नहीं कि आपको रिस्क भी ज्यादा रहना है, अगर आपने सिर्फ ये स्ट्रैटेजी फोकस कर लिया आपको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये ट्रेड कब करना है, आपको टाइमिंग देखनी है कि कब ट्रेड राइट टाइम है वो ट्रेड करने का। अगर आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया इस वीडियो में, आपको इसके अलावा कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज से ही मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, अक्टूबर मंथ की मेंटोरशिप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की ये मेंटोरशिप है, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा कूपन कोड हम लोग 3-4 दिन के लिए जब रिलीज करते हैं तो अभी कूपन कोड फिर से एक्टिव हो गया है TP7000, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आप मेंटोरशिप का करंट प्राइस 10,000 रुपीज है, आप इसको 3,900 में रजिस्टर कर सकते हैं। ये कूपन कोड सिर्फ 29th of September तक ही वैलिड रहेगा, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जरूर से कर लीजिएगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए फिर आपको समझ में आएगा कि आपको ये मेंटोरशिप आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, बस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीजें। चलिए तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे कहीं पे भी किसी ने ये स्ट्रैटेजी आज तक एक्सप्लेन नहीं किया, या इवन किसी वेबसाइट पे भी जहाँ पे आप ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं वहां पे नहीं किया है। ये कॉन्सेप्ट मेरा बनाया हुआ, ऐसा नहीं कि मेरा बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट तो पहले से मार्केट में है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिकी नोट्स पे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं इस ट्रेड को बनाने के लिए। अब देखिए जो ये कंडीशंस रहेंगी, ऐसा नहीं कि आपको फ्रिक्वेंटली आती रहेंगी मार्केट में जब कभी भी, लेकिन जब कभी भी आएंगी तो आपको ये ट्रेड मतलब चांसेस हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट देगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कुछ 11,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है, आज से 3 दिन पहले मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था। वही स्ट्रैटेजी आज मैं कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं सिमुलेशन में आता हूँ। देखिए कुछ कंडीशंस हैं, सबसे पहले तो आपको फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर स्पॉट एंड फ्यूचर में देखना है। अब आप कहेंगे ह्यूज डिफरेंस कैसे देख सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपका चार्ट है, ये स्पॉट का चार्ट, ये बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है और ये फ्यूचर का चार्ट है। तो जिस मंथ में आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अभी सेप्टेम्बर मंथ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ होगा, तो आपको स्पॉट देखना है क्योंकि सितंबर मंथ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो आपको अक्टूबर मंथ का फ्यूचर देखना है, सितंबर और स्पॉट देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये यहाँ पे आपको स्पॉट देखना है और अक्टूबर मंथ का फ्यूचर देखना है। अब ये देखना कैसे है वो समझा देता हूँ आपको, क्या देखना है, ह्यूज डिफरेंस देखना है स्पॉट और फ्यूचर के बीच में। अब ह्यूज डिफरेंस कितना ह्यूज डिफरेंस होता है, लेट्स से कि 54,000 पे आपका कॉल चल रहा है, 54,100 पे राउंड नंबर कर लेते हैं, 54,100 पे चल रहा है, तो अगर यहाँ से 500 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब फ्यूचर स्पॉट चल रहा है 54,100 और फ्यूचर चल रहा है 54,500-600, अगर ऐसा डिफरेंस है, मतलब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि 300 पॉइंट का डिफरेंस तो फ्यूचर स्पॉट के बीच में रहता ही है, लेकिन अगर ये डिफरेंस किसी कंडीशन में, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब तक ये एक्सपायरी से दूर है, मतलब करंट मंथ की एक्सपायरी को आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में चेक करेंगे, जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो आपको ये चीज अक्टूबर मंथ में चेक करना है, लेकिन अगर आप ट्रेड अक्टूबर मंथ में करेंगे, लेट्स से कि अगर आप ट्रेड अक्टूबर मंथ में कर रहे हैं तो करंट स्पॉट आप देखेंगे और नवंबर मंथ का फ्यूचर चेक करेंगे कि नवंबर मंथ का फ्यूचर कितना प्रीमियम पे है, ठीक है। तो यूजली ये डिफरेंस 400 से 500 पॉइंट के बीच में रहता है, 400 to 500 पॉइंट के बीच में रहता ही रहता है, लेकिन जब कभी भी ये डिफरेंस 500 पॉइंट से भी ऊपर का आपको मिलेगा, जैसे अभी के केस में 50,075 है, 54,500 है, तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, लेकिन जब कभी भी ये डिफरेंस 500-550 के ऊपर होगा ना, तब आपको पुट साइड में ट्रेड बनाना है। आपको यहाँ पे देखिए, तब आपको पुट साइड में ट्रेड बनाना है, और इन केस यहाँ पे ये लाइन अप पढ़ लीजिएगा, फॉर पी फ्यूचर स्पॉट इट शुड हैव अ ह्यूज डिफरेंस, यहाँ पे मैं
मोर देन 500 कर देता हूं, मोर देन 500 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर इनकेस ये ट्रेड तो आपका मैंने पुट साइड में बताया, इन केस अगर आपको ये ट्रेड कॉल साइड में बनाना है, जैसे कि इस मंथ में हमने ये ट्रेड कॉल साइड में बनाया है, ठीक है, ये वाला ट्रेड है जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, वो ये ट्रेड है, ये ट्रेड हमने कॉल साइड में बनाया है। करंटली आप यहाँ पे देखेंगे तो 3900 चल रहा है, बट ऑलरेडी मैंने ये क्लोज ट्रेड कर दिया है 3600 पे। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे ट्रेड अगर आपको फॉलो करना है तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो। अभी करंट में हमारा ये तीन ट्रेड चला है, एक तो ये ट्रेड आज क्लोज हुआ है, ये मंथली ट्रेड है और ये लीप का ट्रेड है, ये तीन ट्रेड मैंने शेयर किए हैं। ये तीनों ट्रेड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ट्रेड क्लोज है 3600 रुपीज। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉल साइड में बनाना है तो क्या कंडीशन चाहिए, या तो फ्यूचर स्पॉट, यहाँ फिर से देखिए, या तो फ्यूचर और स्पॉट। अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब जो भी ट्रेड बनेगा अक्टूबर मंथ में बनेगा, तो अक्टूबर मंथ का फ्यूचर और स्पॉट आपका सेम प्राइस पे होना चाहिए। या तो मतलब अगर लेट्स से कि 54,000 का स्पॉट चल रहा है, तो फ्यूचर भी 54,000 का होना चाहिए अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ का, या फिर वो डिस्काउंट में होना चाहिए। तो इस केस में जब हमने ये ट्रेड किया था, तो इस केस में ये ट्रेड डिस्काउंट में था, फ्यूचर डिस्काउंट में था, ठीक है। तो दो कंडीशन है, आप यहाँ पे देखिए टोटल तीन कंडीशन बन रही है इस ट्रेड को करने के लिए, और ये महीने में दो तीन बार इस तरह की कंडीशन बनती ही है। पहली कंडीशन है, अगर आप पुट में ट्रेड बना रहे हैं तो फ्यूचर और स्पॉट में के बीच में डिफरेंस 500 पॉइंट से ज्यादा का होना चाहिए, मतलब 500 पॉइंट अबो एनीथिंग, जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा अच्छा। और कॉल के केस में या तो फ्यूचर स्पॉट सेम प्राइस पे होना चाहिए, या फ्यूचर स्पॉट के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशंस आपकी बनती हैं ये ट्रेड बनाने के लिए। तो फ्यूचर और स्पॉट अगर एट द मनी है, उससे डिस्काउंट पे, जो फ्यूचर है स्पॉट से डिस्काउंट पे होगा, तो आप कॉल साइड में ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज आप पुट साइड में ट्रेड बनाएंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ कॉल में बनाना है या सिर्फ पुट में बनाना है, आपका मेन ट्रेड कॉल में होगा या फिर मेन ट्रेड पुट में होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सिर्फ मेन ट्रेड मेरा कॉल साइड में था, मेन ट्रेड मेरा एक्चुअली ये था, मेन ट्रेड ये था, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पुट कैलेंडर का भी ट्रेड बनाया था, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी तो ये 4000 टच कर रहा है, देखिए इसको मैं सिमुलेशन पे लेके चलता हूँ। और जब मैंने ये ट्रेड डिप्लॉय किया था, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे देख लीजिए, जब ये ट्रेड डिप्लॉय किया था मैंने 28 को डिप्लॉय किया था, तो मैं सीधा वहीं पे चलता हूँ। यहाँ देखिए ये वाला ट्रेड मैंने 28 को 320 पे डिप्लॉय किया था, मैं 315 पे प्रैक्टिस कर देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे ये ट्रेड बना, 3 o'clock पे आते हैं हम लोग, 315 कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे फ्यूचर स्पॉट के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, आपको मैं यहाँ पे चार्ट दिखा दूं तो आप देखेंगे 28 को अराउंड 3 o'clock पे 315 पे मार्केट आपका यहाँ पे कहीं पे था, 54,000 पे था, 54,000 पे, वेयर एज अक्टूबर मंथ का फ्यूचर अगर आप देखेंगे 28 को अराउंड 3 o'clock पे 315 पे देख लेते हैं, तो 53,800 समथिंग पे था, मतलब 150-200 पॉइंट नीचे था, ये डिस्काउंट पे था, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड बना रहा हूँ। अब ट्रेड क्या बनेगा मेरा, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा 54,000 का, क्योंकि थोड़ा सा एकदम एट द मनी पे मैं बनाइए, थोड़ा आउट ऑफ द मनी में ही बनाइए तो आपको रिस्क कम रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये किया, 54 राउंड नंबर भी था और उसको बाय किया, सॉरी उसको सेल किया, इसको बाय किया। अब आपके सामने ऐसा पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। एक बात बताइए आप मुझे, अगर ऐसा पे ऑफ ग्राफ आप कोई ट्रेड करते हो और ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनता है, तो आप कभी भी ट्रेड करते नहीं करते। और यही प्रॉब्लम है यूट्यूब पे कैलेंडर की स्ट्रैटेजी, जितने लोग भी बताते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जबकि भले ये पे ऑफ ग्राफ में ये ट्रेड ऐसा नहीं दिख रहा है, ये प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट बचा है ना, तो आप ये ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे। बट क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आपको फ्यूचर स्पॉट का डिफरेंस आज से पहले नहीं पता था, आप इस ट्रेड को अवॉइड कर देते, जबकि सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस ट्रेड में प्रॉफिट होने के। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज और बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने 53,500 भी ऐड किया था, क्योंकि बहुत लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि चलिए मेरा कहना था कि फ्यूचर ऊपर चला जाएगा स्पॉट के कंपैरिजन में तो आपको प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि अगर स्पॉट ही नीचे आ गया फ्यूचर से कंपनसेट करने के लिए, तो मतलब मैच करने के लिए, तो एक्सपायरी के पास में,
तो देखिए यूजली तो पहले भी आप तो ऐसा कम होता है लेकिन होता भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट कैलेंडर भी साथ में ऐड किया था उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कि इनके स्पॉट अगर नीचे आ गया तो आपके पास रेंज है इसको मैनेज करने के लिए, अगर मार्केट नीचे आ रहा था आप कॉल क्लोज कर देंगे, आपके पास सिर्फ पुट का ट्रेड रहेगा। अब देखिए आप दो ट्रेड को कंपेयर करिएगा, ये पुट का साइड का ट्रेड है, ये सिर्फ पुट साइड का ट्रेड है, और ये सिर्फ कॉल साइड का ट्रेड है, ये सिर्फ कॉल साइड का ट्रेड है, ठीक है। इसी ट्रेड को मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, आप यहां पे देखेंगे ये देखिए, अगर मैं सिर्फ दिखाऊं तो पुट को जब मैंने क्लोज किया था तो पुट में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं था, इवन दो अगर मैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे भी रखूं तो मेरा सिर्फ पुट साइड में कितना प्रॉफिट है, सिर्फ पुट साइड का देखिएगा 1400 रुपीज समथिंग प्रॉफिट है मैक्सिमम प्रॉफिट, जबकि ये देखिए चार्ट पुट साइड में कितना, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पुट साइड ही दिखाऊं, सिर्फ पुट साइड का ट्रेड दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये कितना प्रोमिनेंट चार्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट इसमें काफी कम है, मतलब सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे तो 1400 है, उसी के कंपैरिजन में अगर आप कॉल का प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2600 है, जबकि डिस्पाइट की कॉल साइड का ट्रेड देखिए कितना खराब ट्रेड बन रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी इसमें से 1500 ही दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट इसमें 2600 रुपए हो रहा है, और इस पे ऑफ ग्राफ में ये प्रॉफिट सिर्फ 1500 ही है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चार्ट उस समय मत देखिए, ये जो वेबसाइट है या कोई सी भी वेबसाइट, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, किसी भी वेबसाइट पे आपको ये डिफरेंस कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस वेबसाइट को नहीं पता कि यहाँ पे स्पॉट और फ्यूचर के डिफरेंस को फ्यूचर में मतलब आने वाले टाइम में ये कवर हो जाएगा। तो अगर आपका कभी भी ऐसा ट्रेड बन रहा है, किसी भी कंडीशन में अगर ऐसा ट्रेड बन रहा है, चाहे वो पुट साइड में बन रहा हो या कॉल साइड में बन रहा हो, इस ट्रेड को अवॉइड मत करिएगा, जरूर से करिएगा, भले वो पे ऑफ ग्राफ दिखने में इतना सुंदर ना हो, और उसको रिस्क को कंपनसेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आप कॉल का आपका मेन ट्रेड कॉल साइड में है तो आप आउट ऑफ द मनी में पुट ऐड कर दीजिए, अगर आपका मेन ट्रेड पुट साइड में है, इसी का वाइस वर्सा, मेन ट्रेड अगर आपका पुट साइड में है तो इसी के ऊपर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में जाके कॉल साइड ऐड कर दीजिए, सिर्फ इतना सा ट्रेड करना है। इसके बाद देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको ये वीडियो अपलोड किया था, नेक्स्ट डे का ही कंडीशन दिखा रहा हूँ, जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था उसके नेक्स्ट डे की कंडीशन दिखा रहा हूँ क्या हुआ था, और देखिए ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन बनने के बाद मैंने उसी दिन वीडियो अपलोड भी किया था, आप डेट भी मैच कर सकते हैं, मैंने 21st को ही ये वीडियो बनाया था जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो भी बनाया था, क्योंकि 21st को मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, 21st को आप देखेंगे तो सैटरडे था, आई गेस या 21st को सैटरडे था, तो मार्केट नेक्स्ट जो खुला था 23rd को खुला था, तो वीडियो में मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होने वाला है, और मैं वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ईओडी कर देता हूँ, और नेक्स्ट डे आपका होगा 23rd को, तो 23rd को हम लोग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, सिर्फ कॉल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ये डिफरेंस पूरा फिल हो गया, और जैसे ही मार्केट खुला आपको प्रॉफिट होने लगा, राइट, ये प्रॉफिट आपको होने लगा, और इसके बाद ये ट्रेड कभी भी लॉस में गया नहीं। अब आप पूछेंगे, देखिए इसके बाद मैंने एक एडजस्टमेंट और किया था, 23rd को मैंने अराउंड 1 o'clock पे, आप यहाँ पे देखेंगे 1 o'clock के आसपास मैंने इसमें एडजस्टमेंट भी किया था, वो एडजस्टमेंट मैंने ये देखिए 1:13 पे, मतलब 1:15 के आसपास मैंने आपके साथ ये एडजस्टमेंट शेयर किया था, वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सीधा 1:30 पे जाते हैं, 1 o'clock पे चले जाते हैं, बेसिकली 1 o'clock पे चले जाते हैं, 15 मिनट कर लेते हैं। अब मैंने इस टाइम पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने इस पुट को क्लोज कर दिया था, इस पुट को क्लोज कर दिया था, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल से मैच कर दिया था, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट किया मैंने, अगर दो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं भी करता तो काम चल जाता, लेकिन मुझे क्योंकि ट्रेड्स का सेटअप इतना अच्छा था तो मुझे इस ट्रेड में और मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहा था, इसलिए मैंने क्लोज नहीं किया, सिर्फ मैंने ये एक एडजस्टमेंट किया, मार्केट मेरे ट्रेड करने के बाद 500 पॉइंट ऊपर गया, मैंने सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट किया और बस, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप यहाँ पे 13.5 hours से दिखा रहा हूं मैं आपको, इवन जो देखिए मार्केट आपके ट्रेड करने के बाद कितना ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर जा चुका है, लेकिन आपको इवन दो प्रॉफिट हो रहा है, 400-500 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है। और नेक्स्ट डे 24th को डे एंड दिखा देता हूं, क्योंकि इसके बाद तो देखिए कुछ करने का जरूरत नहीं था, आप यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट आपको प्रॉफिट ही देने लगा था, दो मैंने तब भी ये ट्रेड नहीं क्लोज किया था। अब आप पूछेंगे कि ट्रेड क्लोज नहीं क्यों किया था, देखिए उसका सिर्फ इतना सा रीजन था क्योंकि सेल लेग में मेरे पास अभी भी काफी प्रीमियम है, तो मुझे चांसेस लग रहे थे कि प्रॉफिट ज्यादा अभी होने के चांसेस है, इवन दो मार्केट अगर ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा तो भी ये प्रीमियम अभी यहाँ पे काफी बचे हैं जो कि मुझे कंपनसेट कर देगा, प्लस यहाँ पे डेल्टा का भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। देखिए ये सारी चीजें जो कुछ कुछ चीजें हो सकता है डेल्टा का इफेक्ट नहीं आ रहा था, डेल्टा का इफेक्ट कब पड़ता है आपको
वो सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए इस ट्रेड को मूव कर रहा हूं मैं 25th तक और डे एंड तक कर देते हैं। डे एंड में अराउंड 2000 का प्रॉफिट तो कल हो रहा था जिनके पास भी ये ट्रेड था, ईओडी कर दिया मैंने। अब देखिए आज का डेटा यहाँ पे है नहीं, 25th का तो डेटा है नहीं क्योंकि ये सिमुलेशन में सिर्फ 24th of September का ही डेटा है, इसके आगे का डेटा है नहीं। तो उसके आगे तो जो कंडीशन है वो ये है आपके सामने, ये कंडीशन है इसके आगे की। तो करेंटली इस ट्रेड में 4000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, मैंने 3600 समथिंग पे क्लोज कर दिया है। आपको देखिए स्ट्रैटेजी करने के लिए दो, जब भी ये ट्रेड आएगा तो मैं टेलीग्राम पे आगे से जरूर पोस्ट करूंगा आपके लिए। महीने में एक आध ट्रेड तो ऐसा बन ही जाता है जबकि या तो पुट साइड में बनेगा या कॉल साइड में बनेगा, और सिर्फ 50,000 के मार्जिन पे आप लगभग 5-6% रिटर्न सिर्फ 2-3 दिन में कमा सकते हैं। पूरे महीने में आप सोचिए सिर्फ आपको एक ट्रेड फॉलो करना है पूरे महीने में 3-4 दिन के लिए, वो भी सिर्फ आपको ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस जैसे ही मिलेगा आपको, आपको सिर्फ ये ट्रेड डिप्लॉय करना है और चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि वो फ्यूचर और स्पॉट के डिफरेंस ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ये भी देख लीजिएगा वीडियो, इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वो डिफरेंस को फिलअप होना ही होता है। वो डिफरेंस सिर्फ एक या दो दिन की वजह से क्रिएट होता है और उस डिफरेंस को फिलअप होना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो फिलअप होगा उसके बाद आपका ट्रेड पॉजिटिव हो जाएगा, वो प्रॉफिट में ही चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, राइट। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखिए आज से ही मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, ये मेंटोरशिप का पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंटली ये प्राइस 10,000 है, अगर आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं TP7000, ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 6000 रुपीज समथिंग का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका ये कोड सिर्फ 3900 में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कूपन कोड सिर्फ 29th तक वैलिड है, और या तो फिर 29th तक या फिर 100 यूजर तक, उसके बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। और मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं, कैलेंडर के बारे में अगर आपको सीखना है तो पूरे YouTube पे इतना डिटेल में कैलेंडर कोई भी नहीं सिखा सकता जितना, क्योंकि जो भी मैं आपको सिखाता हूँ ये मैं 9 years 10 years से कैलेंडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का एक्सपीरियंस कैलेंडर का है। अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैलेंडर के ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना होता है वो मैं इस मेंटोरशिप में सिखाता हूँ, चाहे वो मंथली ट्रेड हो या फिर वीकली ट्रेड। तो अगर आपको सच में सीखना है कैलेंडर के ट्रेड तो आप ये मेंटोरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये कूपन कोड जरूर से यूज कर लीजिएगा, सिर्फ 4 दिन के लिए वैलिड है, तो अगर आपको ये कूपन कोड यूज करना है तो 29 से पहले रजिस्टर कर लीजिएगा या फिर 100 यूजर से पहले, क्योंकि लास्ट टाइम 100 यूजर क्रॉस हो गया था तो बाद में रिक्वेस्ट आने लगा था तो हमने अप्लाई कर दिया था, लेकिन इस बार 100 यूजर के बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो अब आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में अच्छे से आई होगी और ये पूरी कंडीशन आपको समझ में आई होगी। टेलीग्राम पे जब भी फ्यूचर में ट्रेड आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।